बात करते हैं रेंजर्स के सिंध में इख्तियारात की। सुबह सिंध में क्याम की मुद्दत आज शाम 12 बजे खत्म हो रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक विफाक को खत नहीं लिखा जा सका। वजीर आला हाउस का कहना है कि उन्हें वजारत दाखिला की जानिब से अभी तक कोई ऐसी समरी मौसूल नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ महमूद, बताइएगा कि अब तक समरी ना भेजने की वजूहत क्या सामने आई है? सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं। अजय, बिल्कुल, रेंजर्स के सिंध में कयाम की जो मुद्दत है उसको खत्म होने में 3 घंटे रह गए हैं। इख्तियारात उसके बाद का मरहला है। पहला मरहला सिंध में रेंजर्स के कयाम को तौसीक देना है। वजीर आला सिंध ने बरमरा इस बात का इजहार कर दिया है कि वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत से मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद वो ये फैसला करेंगे कि समरी पर दस्तखत करने हैं या नहीं। जराए का कहना है कि वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह 22 जुलाई को दुबई रवाना होंगे, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लंदन से दुबई पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं की, सीनियर रहनुमाओं की वहां मुशावरत होगी और उसके बाद इस हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाएगा। वजीर आला हाउस के जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आज रात तो किसी भी सूरत की मुमकिन नहीं कि रेंजर्स के इख्तियार की समरी पर दस्तखत कर दिए। ठीक है आसिफ महमूद, अपडेट करने का शुक्रिया।